स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में हुए हत्याकांड पर बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर प्रयागराज घटना को लेकर बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रमुख सचिव मौजूद है। देखिए एक बार फिर से ये बैठक शुरू हुई है। रात में भी काफी देर तक का बैठक चली थी सीएम आवास पर और उसकी भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब एक और अपडेट आ रही है कि बैठक शुरू हो गई है सीएम आवास पर प्रयागराज घटना को लेकर बैठक शुरू हो गई है। अतीक अहमद अशरफ अहमद की हत्या की गई, मर्डर किया गया और उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है सीएम आवास पर। पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रमुख सचिव मौजूद हैं इस बैठक में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर आ रही है लखनऊ से। रात में भी काफी देर तक बैठक चली थी। आपको बता दें कि तकरीबन 2:30 से 3 बजे रात तक ये बैठक चली थी एक। और अब चूंकि 9:30 बज चुके हैं, 9:30 से ज्यादा हो रहा है और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री आवास पर प्रयागराज घटना को लेकर बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रमुख सचिव मौजूद है। फिलहाल ये बैठक शुरू हो गई है। आला अधिकारियों के साथ सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, बैठक शुरू हुई है, कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल है? देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा और मैं आपको बता दूं कि जो बैठक जिसका ये बैठक जो है रूटीन की अगर बात करें तो रोजाना जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री प्रदेश की कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करते हैं वो बैठक होती है। लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तरफ प्रयागराज की घटना होती है और प्रयागराज की घटना को लेकर सीएम रात्रि में विशेष बैठक बुलाते हैं और उसको लेकर निर्देश देते हैं। और अब वो बैठक जो रात को हुई थी उन निर्देशों का पालन किस स्तर पर और आगे के क्या प्लान है इस पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। आपको बताएं कि इस बैठक में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, इसके साथ ही जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। यानी पूरी जो प्रक्रिया है वो प्लान के तहत पूरी तरह से उतारी जाने की यहाँ पर उम्मीद है। तो आज सीएम एक एक अपडेट ले रहे हैं और कई अधिकारियों से, प्रयागराज के कई अधिकारियों से सीएम ने खुद फोन पर बात की है और प्रयागराज के हाल को भी जाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम के साफ निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रहे इसे लेकर निर्देशक दिवाकर तस्वीरें दिखाते रहिए। आप देखिए इधर, आप देखिए यहाँ पर सीएम आवास के जो बाहर की जो सुरक्षा है वो भी चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो आपको सन्नाटा भरा ये पूरा रास्ता दिखाई दे रहा होगा इसके साथ पीछे अगर जाए तो सीएम आवास का वो गेट है और वहां से आपको बताएं कि इधर से तो सुरक्षा कम अगर दूसरे गेट की बात करें तो उधर की सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद, बहुत ही जबरदस्त बढ़ाई गई सुरक्षा है। और आज जो बैठक है, अभी की जो जिसका लगातार ये जिक्र हो रहा था कि 9 बजे से ये बैठक शुरू होगी, अभी की ये जो बैठक है वो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर है और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके बारे में कितनी जानकारी मिली है उनके बारे में। अब बिल्कुल नीतीश, आप हमारे साथ आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, जानकारी आगे भी लेंगे आपसे।